देख वो जा रहा टाइगर, अबे ये आ गया टाइगर, बढ़िया एकदम। तो भाई ये अभी गाड़ी हमारी रेडी हो रही है, सैडल बैग्स लग रहे हैं, चेक करो भाई। गुड मॉर्निंग साहिल भाई। तो भाई देख लो, ये वाली परी हमारी घर पे ही है आज, और हमारा मुसाफिर लेके जा रहे हैं हम लोग। बाकी अभी रोड पे पता लग जाएगा किधर जा रहे हैं। तो मिलते हैं अब सीधा मोटो व्लॉग पे। तो भाई नमस्कार दोस्तों, आई होप सारे के सारे भाई फुल पावर होंगे। और भाई बन गया यहाँ पे सडन प्लान, और वक्त हो रहा है 6:37, और हम लोग निकल चुके हैं इस ठंडी मॉर्निंग में कहाँ के लिए बता दूँ। तो भाई अपनी मेन हेडिंग पढ़ के ही तुम लोगों को पता लग गया होगा भाई कहाँ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं हम लोग महाकाल के दर्शन करने भाई, उज्जैन। और उज्जैन है आई थिंक पूरा 540 किलोमीटर्स, और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा भाई, बने रहो व्लॉग के अंदर, और भाई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। और मेरा भी भाई वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंस है महाकाल के यहाँ जाने का, मतलब मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई महाकाल के एकदम से। और ये प्लान कैसे बना वो बताता हूँ भाई। ये प्लान कुछ ऐसे बना कि कल एकदम से भाई सुबह मैं उठा हूँ, और मेरे मन में ऐसा आया कि यार मुझे महाकाल के जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, कभी कभी अपने एकदम अंदर से आवाज़ नहीं आती है, शायद उसको बुलावा भी बोलते हैं भाई, तो मतलब बुलावा ही समझ लो भाई। और कल ऐसे मन में आया, मैंने आज सुबह और कल तक मैं मेरे मन में ही रख रखी थी वो बात। और फिर इवनिंग में मैंने साहिल को बोला कि साहिल अपन चलते हैं महाकाल के, बुलावा आया है भाई, इच्छा कर रही है, लेट्स प्लान आर रोड ट्रिप। और फिर हमने प्लान बना लिया, साहिल ने भी अपना ऑफ ले लिया भाई 2 दिन का, और हम निकल चुके हैं भाई फाइनली महाकाल के दर्शन करने उज्जैन, 550 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। बहुत मज़ा आने वाला है, अभी तो ट्रिप शुरू हुआ है, ठंडी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, मज़ा आ जाएगा भाई। जय महाकाल भाई। एक बार फॉग चेक करो भाई, और हाँ मैं पीछे आ चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी भाई। फॉग चेक करो, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। तो भाइयों हम लोग पहुँच चुके हैं टॉप, हमने कंप्लीट कर लिए भाई पूरे 100 किलोमीटर। और भाई इतनी ज़्यादा ठंडी है ना भाई, क्या बताऊँ। मतलब सूरज निकल चुका है बट कोई काम नहीं कर रहा है पिछले 2 घंटे से ना, मतलब हाथ पैर सब जाम हो चुके हैं भाई, बहुत ठंड है बहुत। और कोटा है 147 किलोमीटर, और टॉप दिखा रहा है 3 किलोमीटर राइट में। ये जो पेट्रोल के बाहर आने वाली खुशी है ना, इससे ज़्यादा अच्छी खुशी कुछ भी नहीं होती गाड़ी में जब फुल पेट्रोल होता है। तो हम आ गए 180 किलोमीटर, और कोटा कितना है भाई जी अब 70, तो 180 किलोमीटर आ गए जयपुर से। तो भाई टाइम हो रहा है 9:05, और अब कोटा 70 किलोमीटर बचा हुआ है सिर्फ, तो अच्छी स्पीड में आ गए हम लोग। क्यों भाई सही स्पीड में आ गए ना, कोटा 70 किलोमीटर बचा है। अब रुक चुके हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि लग गई थी बहुत ज्यादा भूख भाई, कंटिन्यू चल रहे थे जयपुर से अभी। तो 180 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, और अब बचा है 70 किलोमीटर बचा है भाई कोटा। फिर कोटा के बाद में बचा है कुछ 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर कुछ ऐसा बचा हुआ है। तो बाकी कोटा आने वाला है 70 किलोमीटर के बाद में। और ये रही है हमारी बाइक भाई, तो अभी चलते हैं वापस रोड पे, मिलते हैं, कुछ खाते हैं, पोहा बनवाया है भाई, पोहा खाते हैं और फिर निकलते हैं वापस रोड के ऊपर। तो अभी सर्दी थोड़ी सी कम होने लगी क्योंकि सूरज भगवान अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर चुके हैं भाई। और तो फिर मिलते हैं रोड पे। हम आ चुके हैं बूंदी, और यहाँ पे आ गई है एक मिनी टनल छोटी सी भाई। ओ भाई रोड के ऊपर शूट चल रहा है भाई, लेट्स गो। ये खुल चुके हैं तो भाई यहाँ से कोटा है सीधा, बूंदी है लेफ्ट में भाई, ये है बूंदी।
ये है कोटा का हैंगिंग ब्रिज। ये चेक कर लो भाई। तो भाई मुंबई की याद दिला दी है इसने। तो देख सकते हो भाई बंदे पहुंच गए हैं कोटा। क्यों भाई कोटा पहुंच गए क्या? वो क्या है, वो कोटा फैक्ट्री है क्या? वो कोटा की फैक्ट्री है। हाँ वो पूरा कोटा है, अपना बाहर निकल चुके हैं, पूरा कोटा है। सही है, काफी जल्दी पहुंच गए अपन, है ना। तो हमारी बाइक कुछ ऐसी लग रही है भाई, बढ़िया एकदम। चलेगा चलेगा, ऐसे ही ऐसे बना रहे थे वीडियो। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे कुछ वीडियो बना रहे थे तो भाई हमारी हेल्प करने आए थे। तो गाइज हम पहुँचने वाले हैं अब झालावाड़, और झालावाड़ में डिफरेंस है मतलब 37-38 किलोमीटर्स का। और अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है भाई, ये जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जिसमें काफ़ी जगहों पर फेंसिंग भी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो जंगली जानवर, शेर वगैरह इधर हैं, काफ़ी टाइगर शेर वगैरह, तो उन सबको रिजर्व रखने के लिए कि वो रोड पे ना आ जाए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे और भी जंगली जानवर हैं भाई यहाँ पे। तो अभी तो बंदा दिख गए कि ये मेरे कुछ दोस्तों जैसे दिखते हैं। ये देखो रेलवे पटरी भी जा रही है भाई इधर से। तो भाई ये देख रहे हो वन विभाग टाइगर्स का बोर्ड लगा हुआ है भाई, तो मतलब टाइगर है भाई यहाँ पे। सीन बहुत खतरनाक है, टाइगर ही टाइगर। वो देख वो जा रहा टाइगर, वो देख वो रहा टाइगर। वो गया यार, गया भाई। अबे ये आ गया टाइगर, वो भाई टाइगर, भाई टाइगर देखा रोड पे हमने यार, कहीं पता चले मजाक मजाक में सच में टाइगर आ गया। तो ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। ये ऊपर से जा रही है रेलवे लाइन। ओए होए होए, फाइनली रुक गए हम। ये बहुत उड़ ली है भाई। कितना बचा है? 160-165 बचा हुआ है कुछ। चलो गाइस मिलते हैं फिर रोड पे, थोड़ा आराम करते हैं 5-10 मिनट। तो भाई हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश में, एंट्री कर चुके थे भाई, और अभी उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है भाई। वो व्यू चेक कर लो भाई, एक ही नंबर। उज्जैन 11 किलोमीटर्स, महाकाल ज़्यादा दूर नहीं, उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं, बचा हुआ है सिर्फ 11 किलोमीटर। गाड़ी चला ली है 540 कुछ किलोमीटर्स सुबह से अभी तक कंटिन्यू, और बस अब उज्जैन पहुंचने वाले हैं। भूख लग गई है भाई, कुछ खाएंगे, होटल लेंगे, देखते हैं। टाइम तो बचा है, 4:29 हो रही है, और शायद 6 बजे का सुना है हमने कि 6 बजे आरती होती है, तो उस आरती में जाने की पूरी कोशिश रहेगी अभी 6 बजे ही, क्योंकि उसके बाद तो दर्शन तो हो सकते हैं बट आरती नहीं देख पाएंगे। तो आरती देखनी है तो 6 बजे पहुंचना पड़ेगा जितना हमको बताया गया है। तो बस पहुंचते हैं भाई अब।